जो बसों का अड्डा है वो अलहदा बना हुआ है, उधर खाली बसें जो है वो खड़ी होती हैं और जब उनका टाइम होता है इधर आती हैं अड्डे में और जो है पैसेंजर उसमें बैठ के तो चले जाते हैं। देख आए हुए हैं, देखें ये डबल डेकर बस थी, देख रहे हैं साफ सुथरी बसें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी प्यारे हो, आपने कभी यूरोप या इटली का लारी अड्डा बस स्टैंड देखा है? कितना मुख्तलिफ है पाकिस्तान या अपनी कंट्री एशियन से। आज जनाब मैं आपको इटली के शहर पोर्दनोने का लारी अड्डा बस स्टैंड बोल दें उसको, वो दिखाने लगा हूँ। आप देख के हैरान होंगे कि यार कितना फ़र्क है अपने मुल्क से और मतलब यूरोपियन कंट्री से। अपने तो क्या बात है ना, लारी अड्डे में हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, खाने पीने की, फिर आवाज़ें। तो अभी मैं ये देखें, ये इस तरफ लारी अड्डा है, ये एक रोड गुजरता है और बसें भी आप देख सकते हैं ये गुजर रही हैं। रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाऊंगा और दिखाऊंगा कि लारी अड्डा किस तरह का होता है और बसें किस तरह की होती हैं, टिकट कितने की आती है, क्या सिस्टम, क्या निज़ाम होता है, सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आपने बस करना यही है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो अभी जनाब एक और मज़े की बात है कि स्टूडेंट आप मेरे पीछे देखें, काफ़ी रश आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे स्टूडेंट हैं और ये अभी छुट्टी करके आए हैं, ये अपने घरों को जाएंगे बसों पे बैठ के, तो मज़ेदार वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखें। तो ये जनाब देखें जी, इशारा जो है वो खुला है, ग्रीन हुआ है तो रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सारे स्टूडेंट हैं, ये इसका रेलवे स्टेशन है, इसकी बाद में मैं वीडियो बनाऊँगा वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये देखें जी, ये सब आपको स्टूडेंट नज़र आ रहे होंगे। तो ये बसों पे बैठ के जनाब बसों पे जाते हैं ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, तो मतलब मुख्तलिफ गाँव से या आसपास के जो छोटे मोटे कस्बे शहर वगैरह होते हैं उधर से आते हैं, तो सुबह आते हैं इसी तरह बसों में और फिर इसी तरह बसों पे बैठ के जाते हैं। तो ये स्टेशन के बिल्कुल साथ बनी हुई है जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप कह रहा हूँ जी, बस स्टैंड ना, तो आप देख रहे हैं मतलब रश कितना है, सारे स्टूडेंट हैं। वैसे तो इधर पता है आपको, आप मेरी अगर वीडियोस देखते हैं आपको पता होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी अपनी जो गाड़ी वगैरह उस पर सफ़र करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बसों पर भी जाते हैं। तो ये जनाब इटली के शहर पोर्दनोने का बस स्टैंड है, लारी अड्डा हम जिसको बोल रहे हैं, सही है। तो इधर इस तरह आके बसें लगती हैं और जिन्होंने आना जाना होता है वो इस तरह इधर आते हैं, इधर से फिर बैठ के तो अपनी जो डेस्टिनेशन है उधर जाते हैं। तो अभी पास से जाके जनाब आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ये देखें ये P15 लिखा हुआ है ऊपर, जिस गांव में इसने जाना है उसका नाम भी लिखा हुआ है, टाइमिंग शाइमिंग हर चीज़ जो है वो लिखी होती है, वो भी एक लगा हुआ है टाइमिंग वाला सिस्टम। और ये सिक्योरिटी वाला जी, इधर सिक्योरिटी को भी मतलब उनका उसका ख्याल रखते हैं, ये मतलब है तो देखने में छोटा है पर इस शहर की मैं आपको आबादी बता दूँ, तकरीबन सवा तीन लाख इसकी आबादी है इस शहर की, और मैं बस के बिल्कुल ऊपर आ गया था जनाब आगे। तो ये देखें इस तरह की जनाब बसें होती हैं, तो बड़े खुश हो रहे हैं लोग जनाब, बाय बाय टाटा कर रहे हैं मेरी मेरे कैमरे को और वीडियो बनाते हुए देखते हुए। तो ये देखें वो सामने देखें बच्चे जो हैं वो बस के अंदर जा रहे हैं, वो डबल डेकर बस है। इधर बसों के ना नंबर लिखे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं P22 लिखा हुआ है, सन भी तो जाएगी, ये एक इनका छोटा सा शहर सा कह लें या एक कस्बा है जिधर ये जाएगी, काफ़ी दूर है इधर से, तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है, और बच्चे ऊपर से मुझे जो हेलो कर रहे हैं। तो ये देखें मोस्टली इन बच्चों के जो हैं वो कार्ड बने होते हैं, पर इधर स्टूडेंट कार्ड वाला कोई सिस्टम नहीं है, जैसे पता पाकिस्तान में पहले होता था जी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मतलब मेरा स्टूडेंट कार्ड बना हुआ है, इस तरह का कोई सीन नहीं है इधर। वैसे इनको महीने का कार्ड बनवाना पड़ता है जैसे नॉर्मल कोई बंदा बनवाता है, अगर वो नहीं है तो टिकट लेना पड़ती है। तो ये इसके जनाब 3 से 4 ट्रैक इन्होंने बनाए हुए हैं, देखें ये डबल डेकर बस थी, देख रहे हैं साफ सुथरी बसें हैं, ये अंडर तो गवर्नमेंट की हैं पर ये है प्राइवेट कंपनी की तरफ से चलती हैं, देख रहे हैं साफ सुथरी ज़्यादा, अभी क्योंकि रश ज़्यादा होता है इस टाइम
और ये जो है डबल डेकर बसें चल रही हैं, कंपनी का नाम है अटाप। तो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कंपनीज चलती हैं, तो ये अभी वेट कर रहे हैं जो मतलब जिस जिस की बस आ रही है वो उस हिसाब से बैठ के तो जा रहे हैं। सफाई आप देखें, कोई गंद आपको नज़र नहीं आएगा, हालांकि स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, पर फिर भी इनको सिखाया जाता है स्कूल में, घर में गंद नहीं फेंकना अपने, और उस तरह का शोर शराबा भी नहीं है। बड़े आराम से हर बंदा जो है वो अपने बस का इंतज़ार कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़ा खूबसूरत देखे इसका, इन्होंने छत बनाया हुआ है। उधर से बसें इंटर करती हैं, वो देखे एक और बस आई है डबल डेकर, और इधर जो भी उसका प्लेटफार्म होता है उधर आके खड़ी होती है, जैसे ये देखें आ रही है। तो इधर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो मिनट खड़ी होगी और फिर चली जाएगी, ज़्यादा देर इधर बसें खड़ी नहीं होती। ये देखें, ये जितने भी स्टूडेंट हैं इन्होंने इसी बस पे बैठना है। वो पाकिस्तान में पता दो दो तीन तीन चार चार घंटे बस खड़ी रहती है, इधर वो वाला सिस्टम नहीं है। इनका जो बसों का अड्डा है वो अलहदा बना हुआ है, उधर खाली बसें जो है वो खड़ी होती हैं, और जब उनका टाइम होता है इधर आती हैं अड्डे में, और जो है पैसेंजर उसमें बैठ के तो चले जाते हैं। देखें अंदर से किस तरह की बस होती है, वो इसकी मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन में लगा दूंगा। तो ये डबल डेकर बस है, सही है, बड़ी खूबसूरत है। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये प्राइवेट कंपनी है, और इस ये जो कंपनी है इस पूरे शहर में इसी कंपनी की बसें चलती हैं। मतलब कोई दो चार कंपनीज या प्राइवेट कंपनी वाला उस तरह का सीन नहीं है कि हर बंदे ने मतलब एक बस है और उसने डाली हुई है, वो इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो ये भी टाइम टेबल है। उसके बाद ये देखें सामने जो लड़की आपको नज़र आ रही है छोटी, ये टिकट निकाल रही है। ऑटोमेटिक इधर मशीनें लगी हुई हैं, पैसे डाल के तो आप टिकट भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो रेड रंग कलर का आपको बिल्डिंग सी नज़र आ रही है, ये इसका ऑफिस है। इधर इन्होंने बैठने के लिए बेंच वेंच अंदर लगाए हुए हैं। उसके बाद आपने मंथली जो कार्ड होता है वो बनवाना है, वो बन जाता है। फिर टिकटें आपने लेनी है वो भी मिल जाती हैं। तो ये सामने रेलवे स्टेशन है, और ये थोड़ी बहुत पार्किंग है। इधर बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं जनाब, वीडियो में मतलब बहुत खुश होते हैं ये लोग ना। तो ये जी थोड़ा सा देख ही ले, अंदर नहीं मैं जाऊंगा। ये देखें इस तरह का सिस्टम ना, ये टिकट ले रहे हैं, कार्ड बनवा रहे हैं अपने लिए ना ये। तो इस तरह का जनाब इधर लारी अड्डा होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या सिस्टम है इधर के लारी अड्डे का, बड़ा मुख्तलिफ है अपनी कंट्री से ना। अपना तो उधर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रूट, केले शेले, फिर समोसे, इस तरह की चीज़ें। इधर कुछ भी नहीं है, इधर आप ने देख ही लिया, कोई खाने पानी वाली पीने वाली जनाब चीज़ें नहीं उस तरह सेल होती है जैसे टोकरी में रख के, उस तरह का कोई सीन नहीं है। इधर सिर्फ बसों के लिए है, और कोई इधर कोई मदारीगर नहीं आया हुआ, कोई मतलब वो जो मदारी वाले होते हैं अक्सर इस तरह की जगह पर या और मतलब होता है ना, बिल्कुल नहीं है। और साफ़ सुथरा है, देख सकते हैं आप, डेली इसको मेरे ख्याल में साफ़ करते होंगे। और एक और बात है कि ये बसें जो ज़्यादातर आपने देखी हैं ये इसी शहर के अंदर, मतलब ये ज़िला जो है ज़िला जो होता है उसके अंदर अंदर जाती हैं, और मतलब दूसरे शहरों में भी जाती हैं, वो बहुत कम जाती हैं, क्योंकि इधर रेलवे का निज़ाम इनका इतना ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान की तरह बसों पर सिर्फ सफ़र नहीं करते, रेलवे का बड़ा ज़बरदस्त इनका निज़ाम है। ज़्यादातर लोग रेलवे पर जाते हैं, ट्रेन पर जाते हैं, तो बसों में भी जाते हैं। पर अब वेनिस शहर मेरे से 100 किलोमीटर है, और मेरे ख्याल में सारे दिन में 3 से 4 बसें आती हैं वेनिस से, आना और जाना उनका लगता है, और वो भी डायरेक्ट नहीं जाती, मुख्तलिफ छोटे छोटे जो शहर हैं उनसे गुजर के जाती है। मतलब इनका ट्रेन का निज़ाम बसों से बहुत ज़बरदस्त है, और ट्रेनें आती भी बड़ी हैं और हर जगह मिल जाती है। तो ये मुख्तलिफ स्टॉप पर बसें जो हैं वो स्टॉप करती जाती हैं, जैसे जैसे जिसका स्टॉप आता है वो उतरते जाते हैं लोग ना। तो आपको ये जनाब वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।